जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों हमें फिलहाल हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन में, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 है वो टर्मिनल प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन सेंड हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी खैर टर्मिनल है, लेकिन ये आपको स्टेशन के एंट्री पे ही मिल जाता है। और यहाँ पे खड़ी है अपनी हैदराबाद से CST के बीच में चलने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस। 1993 में चलाई गई ट्रेन है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है। आज इसके हम लोग स्लीपर में ट्रैवल करने वाले हैं, इंटीरियर वगैरह चलिए आपको दिखाते हैं। स्पेशल चीज़ एक और है, वो इस जर्नी में आगे चल के आपको पता चलेगा। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं हैदराबाद आया ना, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब स्टेशन के बाहर ही कबूतरों के साथ खेलने को मिला। उसके बाद जब मैंने स्टेशन को गौर से देखा तो देखा कि लुक जो है वो मीनार वाला है, यानी मस्जिद जैसा लुक इसमें दिया गया है, लेकिन बाहर ही कृष्ण जी की प्रतिमा को भी बनाया गया था। तो देख करके मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि चलो दोनों कल्चर को मिलाया गया है। इसी के साथ अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं हम लोग, चलिए हैदराबाद से देखते हैं ट्रेन का इंटीरियर कैसा है। कोच के इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमारे MK ब्लॉक्स वाले मल्लार भाई ट्रैवल कर रहे हैं, आज हम लोग की RSC सीट है, यही सरप्राइज़ है। तो नीचे दोनों लोग सीट शेयर करने वाले हैं, बाकी ये रही 6 लोगों वाली सीट, जहाँ पे केवल एक चार्जिंग सॉकेट 6 लोगों के लिए। मिरर वगैरह काफ़ी साफ़ है, बॉटल होल्डर वगैरह है, और साइड पर में भी अपने को एक दिया गया है यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट। बाकी ट्रेन साफ़ सुथरी लग रही है, और एज़ ऑलवेज एक्स्ट्रा पानी कैरी कर लेते हैं, क्योंकि हर जर्नी में भाई पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपनी जर्नी शुरू होने वाली है 2:50 पे, उससे पहले पानी ले लिया जाए। तो यहाँ पे कराची बेकरी के बिस्किट वगैरह भी स्टेशन में आपको मिल जाएंगे। भैया 2 बोतल पानी दे देना। तो यहाँ पे खड़ी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, ट्रेन तो साफ सुथरी लग रही है। वैसे स्लीपर में ट्रैवल करने के मज़े हैं। लो मल्लार भाई पानी, सारी सप्लाई यहीं से हो जाएगी। तो भाई यहाँ अपनी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम 2:50 में निकल चुकी है हैदराबाद से, और लोग टाइम पूरा होने के बाद ही ट्रेन से निकलते हैं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, समय से निकला करो। आज की जो जर्नी है ना काफ़ी यूनिक है, क्योंकि हुआ ये कि बैंगलोर से मैं हैदराबाद आया हूँ 2 AC में, और यहाँ से स्लीपर जर्नी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई स्लीपर में भी जर्नी करो आम आदमी की तरह। तो भाई रीज़न ये कि जो मेरा कम्फर्ट जोन है उसमें मैं आया यहाँ तक, और यहाँ से आपके लिए आगे की जर्नी शुरू है। बिल्कुल राइट टाइम निकल चुकी है, और इस रूट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए अगर यहाँ तक आए हो तो। बाकी ये पुरानी MMTS दिखा दो, ये है हैदराबाद की पुरानी MMTS। नई वाली तो आप लोगों ने लोकल ट्रेन देखी हैं, पुरानी वाली भी देख ही लो। इसी के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हम लोग आज निकल चुके हैं। मज़े की बात ये थी कि 1600 रुपीज़ मैंने बैंगलोर से हैदराबाद आने के लिए खर्च किए, ताकि मैं 450 रुपये की स्लीपर वाली ये ट्रेन बोर्ड कर सकूँ। कैसा लगा आपको मेरा डिसीजन आप लोगों के लिए बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बाकी हैदराबाद रेलवे स्टेशन से फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। हुसैन सागर लेक जो है पूरा उस तरफ है, और ट्रेन का नाम भी उसी लेक के ऊपर पड़ा है। लेकिन यहाँ हम लोग बेगमपेट रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन वाली लाइन की ओर नहीं जाएंगे। एक्चुअली हम लोग बेगमपेट के रास्ते विकाराबाद जंक्शन होते हुए वाडी की ओर अपने सफ़र को तय करने वाले हैं, क्योंकि वहीं से सोलापुर वाला रूट आता है, जहाँ से पुणे के रास्ते हम लोग मुंबई तक पहुँचेंगे। काफ़ी अच्छा खासा लंबा रूट है, पर कोई बात नहीं, मेरे साथ पूरा रूट देखने वाले हो। तो एक चीज़ सबसे बढ़िया स्लीपर की, यहीं से हाथ निकाला रिकॉर्डिंग हो रही है, बाहर दरवाजे में खड़े होने की जरूरत नहीं, तो आराम मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें। Attention of passengers, train number 12702 from Hyderabad to Mumbai CST Hussain Sagar Express is waiting to leave from platform number 2. We wish you a comfortable, happy and safe journey. यहाँ इसी के साथ अपनी ट्रेन अपने पहले हॉल्ट बेगमपेट से निकल रही है। सिकंदराबाद वाली जो लाइन है वो यहीं से अलग हो जाती है। खैर आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाएगी यहाँ से, और सिकंदराबाद से अगर आपको आना है हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन, तो ऑटो और MMTS आपको ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस में आपको MMTS सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, जिसे आप बेगमपेट से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्लेट हैदराबाद बिरयानी का ये क्वांटिटी आपको मिलता है। देखो भाई हम लोग तो सौरव भाई को मिस कर रहे हैं, क्योंकि इतना ख़त्म तो हमसे तो नहीं होने वाला है। हम लोगों ने स्विगी से मंगाया था, देखते हैं स्वाद कैसा है। ट्रेन जर्नी में मतलब खुला मौसम, बारिश होने वाली ऐसा लग रहा है, और तेज़ रफ्तार में अपनी हुसैन सागर चल रही है, देखते हैं स्वाद कैसा है। ₹280 की अपने को दम बिरयानी पड़ी थी, स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है और क्वान्टिटी काफ़ी तगड़ी है। अच्छे मौसम में ट्रेन जर्नी में तो उसके भाई अलग ही मज़े। वैसे रायता वगैरह भी है,
आप लोग को पसंद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और हैदराबाद में वेज खाने वालों के लिए कौन सी बिरयानी फेमस है बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो वहाँ से पैक करवा सकूँ। यहाँ अपना फेवरेट आइटम भी है उसका, लेकिन खाना भी यहाँ पे तैयार है, तो फिर शाम में देखा जाएगा खाना है कि नहीं। लग तो काफ़ी सही रहा है, चाय कॉफ़ी सब कुछ आ रहा है भाई गाड़ी में, जैसे ही हैदराबाद से निकली है गाड़ी अपनी। रेलवे के नियम के हिसाब से अपने को टिकट लेकर चलना है, अगर काउंटर टिकट है तो ऑनलाइन टिकट का मैसेज और आईडी कार्ड चलेगा, पर काउंटर टिकट का लेके जाना पड़ेगा। बहस कर रहे हैं कि पुलिस को बुला लो, कुछ कर लो, नहीं भरेंगे, फ़ोटो लेके आए हैं उसका। रेलवे का ये नियम बिल्कुल सही लगा भाई कि अगर आपके पास काउंटर का टिकट है ना, तो आपको हार्ड कॉपी उसकी लेके चलनी है जो टिकट वहाँ से मिलता है। ऑनलाइन टिकट है तो आईडी कार्ड से काम चल जाएगा, लेकिन काउंटर का टिकट है ना तो भाई लेके चलना है, वरना पूरा का पूरा फेयर भरना पड़ेगा। यार टीटी बाबू अच्छे थे तो प्यार से समझा के इन लोग को भेज दिया, वरना ये लोग को बहस में उतारू थे कि भाई पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर नियम सबके लिए बराबर होते हैं। दस में भी खुश नहीं हो गया छोटू? हो जाएगा ना, अब 20 तो हो गया बाबू। यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं 5-10 मिनट के डिले के साथ विकाराबाद जंक्शन। दोस्तों यहाँ पे 4 बजे का अपना अराइवल टाइम था विकाराबाद जंक्शन पे, और मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, 5 मिनट का डिले हुआ, यहाँ पहुँचे हम लोग। बेस्ट बात यह है कि अनंतगिरी हिल यहाँ का काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी फेमस है, हैदराबाद से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, और वही विकाराबाद की जान है। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बीदर के लिए लाइन गई हुई है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ, मोसी रिवर जो आप लोगों ने अराइवल पे जो देखी थी ना, वो अनंतगिरी हिल से ही उसका उद्गम होता है, यानी ओरिजिन वहीं से होता है। डिपार्चर पे आपको दिखाऊंगा मैं बीदर वाली लाइन। बाकी यहाँ तक की जो जर्नी अपनी हुसैन सागर एक्सप्रेस में काफ़ी तगड़ी चल रही है, डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, चला जाए ट्रेन के अंदर। यहाँ पे मौला अली ट्विंस जो खड़े हुए हैं, ये हैदराबाद जयपुर के लिए ही हैं, और उसके रेक्स भी यहीं पे खड़े हैं। मतलब पता नहीं इतना दूर 70-80 किलोमीटर दूर आके क्यों खड़ा किया गया इन रेक्स को। काफ़ी स्मूथ डिपार्चर हुआ है अपने यहाँ से। और ये देखो आप लोग, बीदर वाली जो लाइन है वो हमसे अलग हो रही है। तो यहाँ पे वाड़ी सिकंदराबाद एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग भी होती है रास्ते में। तो
ट्रेन तो भाई काफ़ी साफ़ सुथरी है और इवन वॉशरूम वगैरह भी ट्रेन के काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। हाँ, वॉश बेसिन वगैरह से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी साफ़ सुथरी होगी गाड़ी। यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है तांडू रेलवे स्टेशन और मैं आप लोगों को बता दूँ ब्लू एंड येलो लाइमस्टोन के लिए जगह काफ़ी फेमस है और ये हैदराबाद से काफ़ी करीब है। तांडूर हैदराबाद एक्सप्रेस भी एक चलती है कि एक छोटी सी इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर अपना जो अराइवल टाइम था वो था 4:39 का और मात्र एक मिनट का हॉल्ट, दो मिनट के डिले के साथ यहाँ पे 4:41 पर हम लोग पहुँच गए। बाकी बीच में छोटा सा सेक्शन पड़ा था उसमें ट्रेन काफ़ी कर वगैरह हो रही थी और काफ़ी अच्छे नज़ारे थे और बहुत दिनों बाद में यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिला हूँ। नॉर्मली इतनी ग्रीनरी इस रूट में देखने को नहीं मिलती है। मिलूंगा आप लोगों से अब सीधा वाड़ी पे क्योंकि वहाँ से बैंगलोर लाइन अलग होती है। बीच में सेडम भी अपनी ट्रेन रुकेगी लेकिन हम मिलते हैं सीधा वाड़ी रेलवे स्टेशन में। नाम दे रही है मामा कम से कम कुछ मेहनत कर रही है। पुणे भुवनेश्वर एक्सप्रेस भुवनेश्वर राजधानी का भी कोच लगा हुआ है। वाह, इसी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं वाड़ी जो कि अपनी सीमेंट एंड लाइमस्टोन फैक्ट्रीज के लिए मशहूर है। एग्जांपल आप पीछे ही देख सकते हैं हमारे लोकोमोटिव और ट्रेन के, सबसे ज़्यादा सीमेंट प्रोडक्शन यहीं पे होता है।
और यहाँ पे सामने बैंगलोर और गुंटेकल से आने वाली लाइन वाड़ी जंक्शन पे मिल जाती है हमारी हैदराबाद से आने वाली लाइन से, और ये दोनों ही लाइंस मिल करके सोलापुर की ओर बढ़ जाएंगी वाया गुलबर्गा। इसी के साथ 185 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग पहुंचे हैं वाड़ी जंक्शन। जंक्शन क्यों कहते हैं तो मैंने आपको अराइवल में दिखाया, लेकिन हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारा अराइवल 6:05 का था और बिल्कुल राइट टाइम यहाँ पे पहुँच गए। 5 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी और खाने पीने की चीज़ें स्टेशन में आपको सभी मिल जाएंगे, वड़ा पाव, समोसा, इडली वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो पानी वगैरह ले लिया जाए क्योंकि पानी अपने पास ठंडा अवेलेबल नहीं है, आपका कोई वेंडर भी ठंडे पानी के साथ ट्रेन में देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे वड़ा सांभर स्टेशन में अवेलेबल है, इडली वड़ा सांभर, तो ये थोड़ा ले लिया जाए, इसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। दो इडली एक वड़ा कर देना अंकल जी, स्टेशन में सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे भाई ट्रेन में वड़ा पाव भी मिल रहा था स्टेशन में, तो हमने ले लिया, ये भी रख देते सीट में, इसको भी बाद में खाया पिया जाएगा, रिव्यू करेंगे डिपार्चर के बाद। तो भाई यहाँ इडली वड़ा एकदम गर्म गर्म था ये जब लिया था हमने, मतलब प्लेट पकड़ते भी नहीं उड़ता इतना गर्म था, देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। इडली वड़ा का स्वाद तो बढ़िया है यार, 40 रुपये के हिसाब से, और यही अगर आप रात में लेंगे तो मल्हार रुपये बता रहे हैं, 60 रुपये में दिया था ना उद्यान में, 60 रुपीज़ में लिया था, और जो वड़ा था ना पूरा क्वान्टिटी डबल, लेकिन बड़े दो दिए थे तो उस हिसाब से ठीक है, वैसे टेस्ट यार बिल्कुल रिकमेंडेड है, क्योंकि गर्म गर्म आपको स्टेशन में मिल जाता है। ट्रेन अपनी 10 मिनट से ज़्यादा रुक चुकी है, जब चलेगी तो आपको वड़ा पाव भी टेस्ट करके दिखाएंगे। यहाँ 15 मिनट अपनी ट्रेन रुक गई ना, तो काफ़ी राहत हुई, लोगों ने खाना पानी सब कुछ जो उठाना था उठा लिया यहाँ से, ब्रेड ऑमलेट वगैरह भी अवेलेबल था जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, अच्छा खासा एक फूडी हॉल्ट हो गया शाम के समय में। मैं तो सोच रहा था फालतू में सोलापुर से खाना ऑर्डर किया जाए, वैसे ही छोटी मोटी चीज़ें खाके पेट वेट भर जाने वाला है तो क्यों सोलापुर से खाना ऑर्डर करना है, लेकिन चलो खाना तो ऑर्डर हो गया है। वैसे मैंने एक झोल किया, मैं कैंसिल करने वाला था, मेरा मूड नहीं था उसको ऑर्डर करने का, क्योंकि इतना खाएगा कौन जब इतना सारा स्नैक्स वगैरह चल रहा है, तो मैंने ऑर्डर को प्लेस नहीं किया था, लेकिन OTP मेरे पास IRCTC की तरफ से आ गया है कि भाई आपका खाना डिलीवर होगा, आपको कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ेगा, देखते हैं भाई आता है कि नहीं आता है। ये तो वड़े के बच्चे लग रहे हैं यार, पर टेस्टी है, खा सकते हो, रिकमेंडेड है। यहाँ धीरे धीरे शाम भी डल रही है, अभी शाहबाद और गुलबर्गा आने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं। भाई शाहबाद रेलवे स्टेशन वाड़ी के तुरंत बाद आता है, जैसे ही नदी पार करते हो ना 5 मिनट में ही स्टेशन आ जाएगा, और इसके बाद गुलबर्गा भी आएगा जल्दी ही, और इसी साथ शाम यहीं पे ढलती है अपनी। तो यहाँ पे वाड़ी में हमारे एक भाई आए हैं, भाई नाम क्या है? शुभम भाई आए हैं और नाश्ता पानी भी लेके आए, ऑलरेडी हम लोगों ने खा लिया है पहली वाड़ी में, शाहबाद में फिर भी मेरे पास है। थैंक यू, इंस्टा पे अपडेट दिया था, वहाँ से भाई को पता चला तो आए, है ना, बहुत अच्छा लगा मिलकर यार, बाकी बातें इनसे करते हैं, फिर ये गुलबर्गा तक ही जा रहे क्योंकि, है ना। तो यहाँ पे झेलम एक्सप्रेस जल्दी LHB होने वाली है, उसके जो रेक्स हैं गुलबर्गा के आउटर पे ही आपको देखने को मिल जाएंगे, और नया नाम गुलबर्गा का कलबुर्गी हो चुका है, कुछ ही साल पहले चेंज हुआ है, पहले से सब गुलबर्गा नाम से जानते थे।
कलबुर्गी में भी अच्छी खासी भीड़ है इस ट्रेन के लिए, क्योंकि ये डेली ट्रेन है इस रूट की। बहुत तगड़ी भीड़ देखने को मिलती है स्टेशन में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए कलबुर्गी। हेलो भाई, हेलो 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 भाई, कैसे हो? आराम अच्छा लगा यार मिलने हैं। थैंक यू थैंक यू। कैसे हो भाई आप लोग? स्टोरी देखे हैं इंस्टा से। नाम क्या है? निहाल। निहाल, आप विशाल? विशाल। आपका नाम? भाई पार्थ जोशी। इनका तो यूट्यूब चैनल भी है ना? नाम क्या है यूट्यूब चैनल का? रेल पॉइंट। रेल पॉइंट नाम से यूट्यूब चैनल भी है भाई, देखना भाई के चैनल को। मैं इन लोगों से बात करते थे। क्या क्या इंस्टा आईडी आपका? अड़की मनी। अड़की मनी ट्रेन से रिलेटेड डालते हो क्या? दूसरी तरफ उद्यान खड़ी है ना उधर? एक नंबर पे मुंबई बैंगलोर उद्यान खड़ी है। और भाई लोग से थोड़ा बात कर लेता हूँ, थोड़ा हड़बड़ी है गाड़ी का, 2-3 मिनट का स्टॉप है बस यहाँ पे। चलो भाई, ज्यादा देर खैर अपनी गाड़ी रुकी नहीं है कलबुर्गी में, लेकिन बहुत सारे लोग मिलने आए तो अच्छा लगा। मौसम देखो कितना गजब हो रखा है इधर। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं सोलापुर, और ट्रेन का हाल देख लो भाई, सब दरवाजे वगैरह वहाँ खड़े हुए हैं, बस अराइवल होने ही वाला अपना सोलापुर में। हमेशा 10 मिनट पहले हम लोग पहुँच रहे हैं सोलापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से विजयपुर वाली लाइन जो गई है गड़क वाली, इंस्पेक्शन कार भी यहीं पर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारा आज अराइवल हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अनाउंसमेंट आपको अपनी ट्रेन में पहुँचते हुए चमक रहा है सोलापुर का रेलवे स्टेशन। हाय लोग, हेलो भाई, और भी है कोई आपके साथ में? कैसे कैसे हो, क्या नाम है? शुभंकर। हम पुरेरी रेल पर नहीं, सोलापुरी रेल। अच्छा सोलापुरी। और आप? प्रेम। प्रेम हरिशन। अच्छा लगा यार मिलके। यहाँ अपने भाई लोग हैं इतने सारे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। भाई लोग आप लोग यहाँ तक आए ना, बहुत अच्छा लगा सही में। इसलिए मैंने अपडेट दिया था इंस्टाग्राम में ताकि आप लोगों से मुलाकात हो सके। हर बार गाड़ी से गुजरता हूँ लेकिन रात में आता है सोलापुर या 3-4 बजे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अपने बहुत सारे भाई लोग डिजिटली भी ज्वाइन हो चुके हैं। अच्छा लगा भाई मिलके सबसे, ये वीडियो कॉल के माध्यम से। थैंक यू भाई सबसे मिलाने के लिए। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। अरे 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 बाय बाय बाय, ये क्या है? चल भाई चल। अपने बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलने आए थे, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। ट्रेन अपनी यहाँ पे अच्छे खासे हॉल्ट में रुकी है तो बहुत अच्छा मौका मिला सबसे मिलने का। और सोलापुर से फाइनली अपनी ट्रेन चल चुकी है स्टेशन में। खाने पीने की आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। वड़ा पाव, पाव भाजी, मील्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और इसी के साथ अपनी ट्रेन में तो लोगों ने सोना भी शुरू कर दिया है, और यहाँ पे मतलब सबकी जो सीट वगैरह है वो खुल चुकी है मिडिल बर्थ्स। और यहाँ पे कर्नाटक से हमारी गाड़ी कब का निकल चुकी है, महाराष्ट्र में एंटर हो चुके हैं। और सोलापुर हमारा कर्नाटक का पहला हॉल्ट है, कर्नाटक से निकल के तो काफ़ी समय हो गया। और यहाँ पे सोलापुर अपना महाराष्ट्र का पहला बड़ा हॉल्ट है। सिद्धेश्वर एक्सप्रेस भी एक चलती है सोलापुर मुंबई, उद्यान का एक शेयरिंग है जिसके साथ, कभी उसमें भी एक बार यात्रा करनी है। और आज अच्छा मौका था यार स्लीपर से यात्रा करने का, तो सबसे मुलाकात होती गई और इसी तरह अपनी जो जर्नी है ख़त्म होती है। यहाँ पे WCM2 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, अपनी सेवाग्राम एक्सप्रेस को भी यही लगा हुआ था। तो ये भाई अपने सोलापुर से एक भाई आए थे सब्सक्राइबर, अपने ही केटरिंग से वो लेके आए हैं, ये उनकी केटरिंग का नाम भी है। तो भाई खाना वगैरह यहीं खाया जाएगा, इसका रिव्यू तो नहीं करेंगे हम लोग बाकी, लेकिन डिनर अपना यही होने वाला है।
IRCTC वाला खाना हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। तो गाइस यहाँ पे RPF में आकर के अभी सभी विंडोज़ वगैरह बंद करवा दिए हम लोगों ने, यहाँ के विंडोज़ बंद कर लिए हैं, पूरे कोच के विंडो बंद कराए गए क्योंकि यहाँ पे पथराव वगैरह होता है और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें इस रूट में होती हैं। खाना पीना हो चुका है, रात भी हो चुकी है, अब सोया जाए। आगे आने वाले स्टेशन में देखेंगे कि जहाँ कहीं नींद खुलती है आप लोग को दिखाएंगे आगे का रूट। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए कुर्दवाड़ी जंक्शन, यहाँ से एक लाइन गई भाई मिराज के लिए और दूसरी गई है यहाँ से। नाइन का अपना टाइम था और यहाँ पे 9:54 पहुँचा हम लोग कुर्दवाड़ी जंक्शन। यहाँ से एक लाइन गई हुई है लातूर की ओर और दूसरी मिराज की ओर, इसलिए ये जंक्शन इंपॉर्टेंट हो रहा था। इससे पहले जब मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया था तो यहाँ पे डीजल साम्राज्य था, तो यहाँ तक ट्रेनों में सोलापुर से यहाँ तक डीजल लोकोमोटिव लगते थे पिगी बैग के साथ, लेकिन अभी वो सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड रूट है, इसलिए हमारी ट्रेन एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चल रही है। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी आने वाले स्टेशन में। यहाँ हमारी ट्रेन तो कुर्दवाड़ी जंक्शन से चल चुकी है 4 मिनट के हॉल्ट के बाद, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, 9:58 हो रहा है। सामने से अभी मुंबई से हैदराबाद के बीच चलने वाली नॉर्मल है अपनी हैदराबाद एक्सप्रेस क्रॉस होने वाली है। यही सुबह पहुँचेगी और दोपहर में यही गाड़ी लौट के आएगी हुसैन सागर बन के। तो यहाँ पे महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो है वो भी पहुँच चुकी है पुणे में और इसी के साथ हमारी ट्रेन भी पुणे अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही पहुँच चुकी है। तो पुणे आया मैं, बस एक घंटे की नींद सोया था और यहाँ भाई मिले अपने को। भाई नाम क्या आपका? प्रेम। प्रेम, प्रेम भाई देखो मिले पुणे में भी, इसीलिए मैं जग के बाहर आ गया था कोच के क्योंकि मैंने वादा किया था मिलूंगा, तो भाई वादा बनता है इसलिए रात 1 बजे भी बाहर खड़ा हूँ। थैंक यू भाई आने के लिए। अभी आपकी कौन सी गाड़ी है? गदग एक्सप्रेस है। गदग एक्सप्रेस, हाँ अल्को लगता है, बढ़िया गाड़ी है। आने वाली है ना वो? तो आने वाली। चलो मैं इनसे बात कर लेता हूँ, आप लोग से डिपार्चर पर मिलता हूँ। इसी के साथ रात में हम लोग निकल चुके हैं भाई पुणे से, अब 2 घंटे की नींद बची है, उसे तो पूरा कर ही लिया जाए वरना ऐसे टुकड़े टुकड़े में नींद करेंगे तो हो चुकी आज की जर्नी। गदग एक्सप्रेस विद EMD। तो यहाँ पे 789 किलोमीटर की दूरी को तय करके अब अपनी ट्रेन पहुँच रही है दादर रेलवे स्टेशन। खैर ट्रेन तो जाएगी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लेकिन हम लोग दादर पे ही अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं क्योंकि भाई यहाँ से हमारे सौरभ भाई का घर पास में है, तो यहीं पे उतर के आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया जाएगा। और रात में इतनी देर से जग रहे हैं ना कि नींद तो बस थोड़ी बहुत ही हुई है 1-2 घंटे की, तो इसीलिए अब जल्दी से घर पहुँचने की
एक एक्साइटमेंट जो है वो बनी हुई है, क्योंकि एक और सफ़र इंद्रायणी एक्सप्रेस में मैं करना चाहता हूँ ताकि पुणे के मानसून को कवर कर सकूँ। तो इसी के साथ हम लोग सुबह 4:44 AM पहुंच गए हैं दादर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग के लिए ऐसी स्पेशल जर्नीज लेकर के आता रहूँगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।